नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाली 2 से 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही बड़े अनोखे बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर यानी अगले 72 घंटों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। जब ग्रहों की शुभ स्थिति बनती है तो दोस्तों हमारे जीवन काल में हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी ग्रहों की वहीं विपरीत स्थिति बन जाए यानी कि ग्रहों में जब अशुभ स्थिति का निर्माण हो जाए तो दोस्तों हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे कार्यों में भी हमें नुकसान होने लगता है, हमारे आगे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं, अंधकार से हमारे जीवन काल में छाने लगती है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब घबराने का समय नहीं, अब आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब एक साथ मिलेंगी 7 बड़ी खुशखबरी जिन्हें आप सभी के जीवन काल में जान लेंगे, जिन्हें अगर आप अपने जीवन काल में सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दोस्तों यकीनन खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। और जो भी लोग आपसे जलते थे दोस्तों, उन सभी का यह समय होश उड़ने वाले हैं। क्यों दोस्तों, आपकी तरक्की देखकर वो लोग भी कहेंगे कि वह क्या किस्मत है, आखिर अचानक इसकी किस्मत कैसे बदल गई। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों पिछले कई समय से आप भी अपने जीवन काल में गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं का सजा था जो कि आपको पिछले समय सफलताएँ हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो दोस्तों भगवान भी उन्हें खाली हाथ रहने नहीं देते, उनके भी जीवन काल में अपनी नज़र जरूर फेरते हैं। और दोस्तों, अब आप सभी के भी जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों अगले 72 घंटों का समय में आपको अचानक से ऐसी सफलताएँ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर 72 घंटों के अंदर आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि दोस्तों आने वाले समय में भी आप वही असफलताओं को प्राप्त ना करें, आने वाले समय में आप खुशियों को प्राप्त करें। और दोस्तों, इन सभी के लिए ये बात सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, साथ ही कौन सी 7 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी इस वीडियो में, उनके भी बारे में हम पूरे विस्तार तरीके से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है और आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के सच्चे प्रिय भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। शादी दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर का चमत्कार हमारे जीवन काल में चलते हैं तो दोस्तों इन्हें का कोई ना कोई कारण जरूर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन काल में अगर संकट आते हैं तो दोस्तों इनका सीधा सा कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलती की है जिनके कारण ईश्वर हमारे जीवन काल से रुष्ट हो गए हैं, जिनके कारण हमें यह सफलताएँ हाथ लग रही है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं, जब भी हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करके कार्यों में कार्य करते हैं तो दोस्तों वह कार्य हमारा मेहनत जरूर ही रंग लाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में आपके सारे कार्यों का मेहनत जो है उनका रंग लाने वाले हैं और सभी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अब कौन सी गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा गलती हम कह सकते हैं कि आपके जीवन काल में धन के संचय को लेकर आप लापरवाह हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके जीवन काल में पैसा नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी धन को अर्जित नहीं किया है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी सभी के जीवन काल में आते हैं लेकिन दोस्तों सभी के जीवन काल में टिकते नहीं हैं। क्यों दोस्तों, माँ लक्ष्मी ऐसा चीज़ है जो कि सभी के जीवन काल में आते हैं लेकिन जो उनका संस्कार से जो उनका सम्मान करते हैं दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में टिकते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि पिछले समय में जो भी आपने धन अर्जित किए थे, पिछले समय में जो भी आपने कुछ कमाया था, जो भी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त किया था, लेकिन दोस्तों उनमें आपकी ही लापरवाही आपके नुकसान का कारण बना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, अगर आपने पिछले समय अंतराल में धन के संचय में कुछ ऐसे लालच वाले काम किए थे जिनकी वजह से
आपको अभी नुकसान उठाना पड़ा था। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जो भी व्यक्ति लालच में आकर कोई गलत काम कर देता है दोस्तों उनके जीवन काल में माँ लक्ष्मी तो आती है लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। कि दोस्तों माँ लक्ष्मी सच्चाई का प्रतीक है, जो भी अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, जो भी सच्चे विश्वास सच्चे मेहनत के साथ धन को अर्जित करते हैं दोस्तों उन्हीं के जीवन काल में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए कि दोस्तों अगले 72 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है, तो दोस्तों इसी में आपको कौन से कार्य को नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में ही धन के संचय को लेकर संभालना होगा। धन में जो भी आप कमाते हैं दोस्तों उनको अच्छी तरीके से संभालना होगा। जायज कार्यों में आपको पैसे खर्च करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आपको लगे कि यह कार्य हमारे बिना भी हो सकता है इस कार्यों में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों उस क्षेत्र में आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में अब नियम बनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पैसों की सबसे ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों वहीं पर पैसों को इन्वेस्ट करें, वहीं पर पैसों को लगाएं। कि दोस्तों आपकी जो भी खर्चे हैं दोस्तों अगर वे आपके आवश्यक खर्चे हैं तो दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में रहेंगी। लेकिन दोस्तों जहाँ भी खर्चे आपके नाजायज होंगे, जहाँ भी खर्चे आप नहीं करते तो अच्छा होता है, ऐसे कार्यों में अगर आप पैसे खर्च कर देंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी तो आएंगी लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अवश्य आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको समय पर हर कार्य को करना होगा। क्योंकि दोस्तों समय के साथ जो व्यक्ति नहीं चलता है दोस्तों जीवन काल में खुशियाँ तो आती है लेकिन दोस्तों समय के साथ खुशियाँ भी चली जाती है। लेकिन दोस्तों समय के साथ अगर आप हर कार्यों को करने लगेंगे, समय के साथ आप अपनी गलतियों को भी सुधारने लगेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में जो माँ लक्ष्मी आपको देंगी वे आपके पास जीवन भर रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन भर तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में कुछ और गलतियों को नहीं करना है। यानी कि दोस्तों दूसरा कारण है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके साथ रहते हैं, जो भी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को अपनी गुप्त बातें बिल्कुल भी नहीं बताना है। क्योंकि दोस्तों अक्सर आप देखे होंगे कि आपको लगता है कि यह कार्य हमारा अब सफल ही हो जाएगा, यह कार्य में हम सफलता को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों आप उनकी जड़ तक नहीं जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके साथ में रहने वाले ही लोग आपके ऊपर छल करते हैं, आपके गुप्त बातें उजागर करके आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं लाते हैं और दोस्तों आप उन पर शक नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों आप उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास जो कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बस यही कहेंगे कि अब जब भी जीवन काल में नई शुरुआत करेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले किसी के ऊपर आपको आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सुनिए सबकी लेकिन अपने मन की ही कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी तो यह बात जानते हैं, जब भी आप कोई कार्य करते हैं दोस्तों ईश्वर का प्रणाम करके ही कार्य करिएगा। क्योंकि दोस्तों ईश्वर का नाम लेकर शुरू किया गया कार्य कभी असफल नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप रात को सोएं, सोने से पहले ईश्वर का नाम लीजिएगा, सुबह उठने से पहले ईश्वर का नाम लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और जब भी कोई कार्य शुरू करेंगे दोस्तों ईश्वर का उनमें आपको नाम लेना है। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा शुभकामनाएं आपको अपने जीवन काल में शुभ शुभ प्राप्त करना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में सारी नेगेटिविटी खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जाएं यानी कि ईश्वर का जो दिव्य स्पर्श होंगी दोस्तों वो आपको प्राप्त होगा और जीवन काल में आपको कभी भी कोई गलत कार्य करने का मन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास करके हर कार्य को करना है। ईश्वर के ऊपर विश्वास करके आपको अपने जीवन काल में रहना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके हर बिगड़े कार्य बनेंगे और हर मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको एक नई रास्ता मिलेगी। कि दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि मैं ना तेरे आगे हूँ ना मैं तेरे पीछे हूँ, तू बस यकीन कर और देख मैं तो तेरे ही अंदर हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको अब अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि अगले 72 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी घटनाएं होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटों के अंदर माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे योगों का निर्माण हो चुका है जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला लाभ आपको व्यवसाय के क्षेत्र में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खुशखबरी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में मिलेगा। यानी कि दोस्तों धन से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी आर्थिक तंगियां हैं
दोस्तों वह दूर होने वाला है और दोस्तों आपके जीवन काल की ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि धन आ जाने पर व्यक्ति घमंडी बन जाता है, तो दोस्तों आपको इनमें बचना है, इनमें संभलना है, कभी भी किसी के ऊपर धन के दिखावे से घमंड नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों आपको यह बात बता दें कि जिनके भी जीवन काल में घमंड हुए हैं, जी हाँ दोस्तों उनका सर्वनाश निश्चित हुआ है। दोस्तों यकीन ना हो तो कौरव को देख लीजिए और रावण को भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े राजा को भी अहंकार के चलते भीख मांगने पड़ते हैं। तो दोस्तों धन जब भी आपके जीवन काल में आए, कम आए ज्यादा आए, तो घमंड नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी खुशखबरी आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलने वाली है। आपकी जो भी नुकसान हुए थे किसी स्वास्थ्य को लेकर, दोस्तों उनमें आपको सुधार देखने को मिलेंगे। बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है, शरीर की मसाज करवाएं जिससे त्वचा की चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या फिर नाखूनों में कोई भी आप नया प्रयोग कर सकते हैं, नाखूनों को साफ सफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी होगी आपके प्रेम संबंध को लेकर। जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ अगर आप संबंध में थे तो दोस्तों वह संबंध और भी मजबूत होगा। अगर आपके संबंध किसी के साथ खराब भी हो चुके थे तो दोस्तों वह संबंध भी अब धीरे धीरे जुड़ने वाले हैं, बशर्ते अब आपको अपने वाणी में संयम लगाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी प्रेमी है, जीवन साथी है, दोस्तों उनके साथ नरम व्यवहार करें। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ज़्यादा बोलने से समस्याएं बढ़ती है, रिश्ते में दरार आती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर आप चुप भी हो जाएं। कि दोस्तों बहुत सारे सवालों का जवाब एक चुप्पी देती है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे रिश्तों को टूटने से भी एक चुप्पी बचाती है। तो दोस्तों अपने पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए, संभालने के लिए आप ज़रूर ही इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि करियर के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी जो मेहनत है उनका फल पाने के लिए अच्छा समय है। अगले 72 घंटों में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। आपके सारे दैत्य दुश्मनों से भी भोलेनाथ रक्षा करने वाले हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन से जुड़ी सभी समस्याएं तो खत्म होंगी ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।